कुछ अजीब सी ट्रैकिंग जैसी एंट्री है, क्या बोले, रामा पेबल बीच करके लिखा है। कहाँ जाता है रास्ता देखते हैं। क्या बोले रामा पेबल बीच, एक ट्रक आगे निकला हुआ है, एक ही एंट्री सी है। लेट्स सी क्या सीन है, गंदगी मचाई हुई है यहाँ तो पूरी। ध्यान से उतरना एकदम। तो ये है कैबोडीरामा बीच, अलग धलग दुनिया से छोटा सा। और ये बड़े वाले क्रैब्स अगर आप देख पा रहे हो तो लुक एट द साइज। अरे यार छुपो मत। काफी क्रैब्स हैं इस रॉक पे। हाँ छुप गए हैं उधर बड़े बड़े क्रैब्स। ये घोंगे हैं यहाँ पे काफी सारे। ये देखो हम जरा धप्पा करते हैं क्रैब को, बिकॉज वो ऑपोजिट साइड में छुपा हुआ है। ये जा रहा है, ये रॉक के नीचे चले गए हैं। ये देखो उसके पैर दिख रहे हैं, ये में भी थोड़ा ऊपर आए। बड़ा केकड़ा है जो मरा पड़ा है, और भी क्रैब्स हैं यहाँ। सो एक बैट यहाँ प्रोबेबली आकर के लटका बट फूक गया। सी बिजली की तार पे लटका लटका फूक गया है। यहाँ कैनन पड़ी है एक। कैनन बेटर इज नॉर्थ गोवा, ये हम दोनों का मानना है आफ्टर एक्सपीरियंस सारा हिसाब किताब। यहाँ पर साउथ गोवा में सिवाय दो तीन बीच छोड़ के कुछ भी मेन नहीं है।
सब इधर उधर के रास्ते निकले हुए हैं जंगलों में से, जिनका एब्रप्टली एंड हो जाता है और आप किसी बीच पे पहुंचते नहीं हो। सो कैबोडेरामा के अलावा हमको कुछ भी नहीं दिखा। एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आर अगोंडा बीच रिजॉर्ट। वहीं पर आराम से अपना टाइम बिताएंगे एंड वी विल सी कि हम दूध सागर वाटरफॉल जा पाते हैं या नहीं, डिपेंड्स ऑन द टैक्सी। अपना प्लान हम कोशिश पूरी करने वाले हैं जाने की। तो बाय बाय साउथ गोवा। हाँ हाँ हाँ, शहर की लड़की जंगलों से ले जाती, शहर की लड़की हो स्कूटी चलाती, शहर की लड़की है। शीशे में देख रहे है। आई। सो ये हमारा लास्ट डे स्टे है गोवा में। तो हम लोग जो हैं अब यहाँ से दूध सागर फॉल्स के लिए निकलेंगे। तो एक बार हम बस बीच पे अराउंड मार रहे हैं, हमारी टैक्सी रेडी है, हम भी रेडी हैं, बस निकलने की देर है। और फिर देखते हैं मॉर्निंग व्यू, अरेबियन सी। Sky? This guy? I'm collecting shells. मैं गमले में डालूंगा घर जाके। सागर से यहाँ से बुक करी है अब अपनी कैब, जो ऑनलाइन बुकिंग की थी, उसके बाद यहाँ लाइन में लगना है, लंबी सी लाइन में। एंड देन उसके बाद आपको शेयरिंग में बंदे ढूंढने होते हैं, उसके बाद आपकी जीप चलती है। तो ये 6 बंदों के साथ है, 2 हम हैं, बाकी 4 हैं। तो टोटल मिला के शेयरिंग हुआ है। अब 45 मिनट्स का रास्ता है वाटरफॉल्स तक। लाइफ जैकेट आपको अलग काउंटर से मिलेगी, ड्राइवर आपको लेके जाएगा ड्राइवर अलॉट होने के बाद। और ये 40 रुपीज़ ईच मिलती है। अब एंट्री फीस भी 100 रुपीज़ ईच जाएगी। और जो काउंटर पे है वो 585 है। तो अब ये रास्ता चालू हो चुका है, सो वी आर ऑन आवर वे। सेंचुरी के अंदर का रोड है जिस पे हम जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा वैसा ही है, ऊबड़ खाबड़, पानी में से निकलना वगैरह, इस टाइप का रोड है।
अलाउड है रजिस्टर्ड भी, इसमें आगे जाना अलाउड नहीं। ये बेसिकली सब खेत हैं जो अब वेस्ट हो चुके हैं, बिकॉज जब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी तो लॉ स्ट्रिक्ट हो गए, यहाँ अगर खेती करो तो जानवर आते हैं और जानवरों को मारो तो जेल होती है, तो ये लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। ट्रेन की आवाज़ आ रही है, वही चेन्नई एक्सप्रेस वाली ट्रेन, लेकिन यहाँ कहाँ पे है देखना पड़ेगा। अभी हमने अपनी पैदल पैदल ट्रैकिंग शुरू करी है जो कि 10 से 15 या 20 मिनट की हो सकती है जब तक वी रीच द फॉल्स, तो रास्ता वही है ऊबड़ खाबड़, गाड़ी इसके आगे नहीं जाती है, इसके आगे आपकी अपनी ट्रैकिंग है, तो वही हम करेंगे। हम जा रहे हैं दूध सागर वाटरफॉल। तो ये है वो चेन्नई एक्सप्रेस वाला पोर्शन, यहाँ से जाती है ट्रेन। चलो उसके ऊपर बड़े वाले के चेन्नई एक्सप्रेस सागर फॉल्स। बेसिकली के एम टी फॉल्स वाला ही लोग है, कुछ खास है नहीं। मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे फॉल्स जस्ट गिरता है पानी में, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है, गंदगी टाइप सी लग रही है, तो
आई डोंट थिंक उस पानी में उतरने का कोई फ़ायदा, इसलिए हम तो अपना शांत कोना ढूंढ के बैठे हैं। हमारे लिए दिस इज़ जस्ट अ टाइम वेस्ट, हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। ये व्यू पॉइंट से व्यू है बट इसमें ट्रेन का व्यू नहीं आता है। तो हम लोग गोवा एयरपोर्ट पे आ गए हैं और एयरपोर्ट पे आने के बाद एग्ज़िट तो अलाउ होती नहीं है। सो अभी हम 4:30 आ गए थे, अभी 5 बजे हैं और रात को 12 बजे हमारी फ्लाइट है। चेक इन के लिए हमें बोला है कि 8 बजे से चेक इन कर सकते हो, तो तब तक वी आर जस्ट वेटिंग। हम प्रिजन ब्रेक देख लेते हैं, इतने बस सो जाते हैं पड़ गए। अब हम घर वापस जा रहे हैं और हमारी सीट्स अपग्रेड हो गई है, एक्सेल वाली हो गई है, एक्स्ट्रा लेग स्पेस है हमारे पास।